दोस्तों, हमने हजारों ड्रोन बनाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में ये ड्रोन बाकी सबसे अलग है। ये एक बड़ा ड्रोन है, मगर फिर भी हम इसे इजिली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये फोल्ड होकर के छोटा हो जाता है। इस ड्रोन को स्पेशली डे एंड नाइट सर्विलेंस के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसमें हमने 4K एंड थर्मल कैमरा यूज किया है, जो 3 एक्सिस गिम्बल के साथ है, और ये गिम्बल कैमरा को स्टेबलाइज रखता है। साथ ही हम कैमरा के पिच एंड जॉ मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये ड्रोन खास इसलिए भी है क्योंकि ड्रोन से हम 1 kg तक का मेडिसिन, ब्लड, फूड एंड बॉक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। अगर आप ड्रोन को कैमरा के लिए यूज करते हो तो सिंगल चार्ज में 45 मिनट तक उड़ता है, और अगर कैमरा के साथ वजन भी उठाते हो तो 20 मिनट तक उड़े। ड्रोन में मैनुअल मोड, एल्टीट्यूड होल्ड मोड, GPS मोड के साथ साथ ऑटो फ्लाइट मोड भी मिलता है, और इस मोड में ड्रोन खुद से उड़ता है, रिमोट से कंट्रोल करने का भी जरूरत नहीं है। अगर आप ऑटो फ्लाइट मोड में ड्रोन को उड़ाते हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक उड़ सकता है, और अदर फ्लाइट मोड में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक उड़ता है। ड्रोन को रिमोट कंट्रोलर की मदद से 15 किलोमीटर दूर तक भेज सकते हैं। ये ड्रोन रिमोट कंट्रोलर के रेंज से बाहर चला जाता है, या किसी कारण फ्लाई के दौरान रिमोट कंट्रोलर बंद हो जाता है, या फिर ड्रोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो इन कंडीशन में ड्रोन क्रैश नहीं होता, बल्कि ऑटोमेटिकली ड्रोन जहां से उड़ा है वहीं आकर लैंड हो जाता है। इस तरह के ड्रोन को हम डिफेंस, आर्मी, पुलिस, BSF के अलावा कई सारे जगहों और अलग अलग कामों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ड्रोन बहुत सारा काम करने वाला है। अगर आप भी घर बैठे अपना खुद का ड्रोन बनाने के लिए सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, जब भी हम किसी भी ड्रोन को असेंबल करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ड्रोन के फ्रेम को असेंबल करना होता है, क्योंकि हमारा जो ड्रोन का फ्रेम है वो अलग अलग टुकड़ों में आता है, और कंप्लीट टुकड़ों को आपस में जोड़ने के बाद ही हमारा एक फ्रेम तैयार होता है। मैं अपने इस ड्रोन को बनाने के लिए टैरट का 650mm का क्वाड कॉप्टर फोल्डेबल फ्रेम को यूज कर रहा हूँ। वैसे इस ड्रोन में हमने जो भी पार्ट्स यूज किया है उसे आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हो। मैं इन टुकड़ों को जिस तरीके से जोड़ रहा हूँ, सेम वीडियो को देखते हुए आपको भी ऐसे ही जोड़ना है, क्योंकि इसी में हमारा मोटर माउंट होगा। क्योंकि हमें अपने ड्रोन को जानदार और शानदार बनाना है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ टी मोटर का MN4112 420kV का ब्रशलेस मोटर। ये एक ड्यूरेबल मोटर है, क्योंकि इसमें यूज हुआ है हाई क्वालिटी बियरिंग्स, सिलिकॉन वायर और मैग्नेट। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये एक मोटर कितना थ्रस्ट देता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस मोटर को 6S बैटरी के साथ यूज करते हो तो इस सिंगल मोटर से आपको 3.7 kg का थ्रस्ट मिलने वाला है, मतलब 3700 ग्राम। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन बिल्ड कर रहे हो और आपको 14.8 kg का थ्रस्ट मिल रहा है तो आप 14.8 kg का पेलोड लिफ्ट करवा सकते हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मोटर को यूज करके क्वाडकॉप्टर बनाते हो तो आप उससे 2 kg तक का पेलोड लिफ्ट करवा सकते हो। अब पूछोगे, भैया ऐसा क्यों है? तो यार, इतने छोटे से वीडियो में ये बताना पॉसिबल नहीं है। इस मोटर के साथ मैं हॉबी विंग का 40 एम्पियर का ESC यूज कर रहा हूँ। वैसे तो मार्केट में 40 एम्पियर का और भी बहुत सारा ESC है, लेकिन आप इसी ESC को यूज करना, बात मेरा मानोगे तो फायदे में रहोगे, वरना नुकसान में पड़ सकते हो। हर एक ब्रशलेस ESC के एक तरफ 3 वायर होता है, जिसे हम 3 फेज वायर कहते हैं, और ब्रशलेस ESC के दूसरे साइड 2 वायर होता है, एक रेड एंड ब्लैक, जिसे हम पावर वायर कहते हैं, जिसमें हमारा बैटरी कनेक्ट होता है। हम जहां ESC को माउंट करने वाले हैं वहां से बैटरी का दूरी ज्यादा है, इसलिए हम अलग से 2 सिलिकॉन वायर लेंगे और उसे अपने ESC के पावर वायर में जोड़ देंगे, ताकि हमारा पावर वायर लंबा हो जाए। मैंने यहां 14AWG का 2 सिलिकॉन वायर लिया है, जिसका कलर रेड एंड ब्लैक है और इसका लंबाई 1 फीट है। इस ड्रोन को बनाने में जहां भी हम
हम वायर्स को सोल्डरिंग करेंगे उसे कवर करने के लिए हमें हीट सिंक ट्यूब का इस्तेमाल करना है। अब हमें मोटर के थ्री फेज वायर को ESC के थ्री फेज के साथ सोल्डरिंग करना है, इसलिए मैंने मोटर के वायर में हीट सिंक ट्यूब को डाल दिया है और 1x1 हम तीनों वायर्स को आपस में सोल्डरिंग कर लेंगे और हीट सिंक ट्यूब से इसे कवर भी कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपको अपने मोटर के डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो आप इन तीनों थ्री फेज वायर में से किसी भी दो वायर को आपस में अगर चेंज करते हो तो मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि हीट सिंक ट्यूब को सिंक करने से पहले आप सर्वो टेस्टर की मदद से मोटर के डायरेक्शन को चेक कर लें। इतना करने के बाद हमें सर्वो एक्सटेंशन लीड लेना है और इस लीड को हमें ESC के सिग्नल लीड के साथ कनेक्ट करना है ताकि हमारा ESC का सिग्नल लीड का लेंथ लंबा हो जाए। ये चार स्टिकी फोम है और इस फोम को हमें पेस्ट करना है अपने फ्रेम आर्म के नीचे में, क्योंकि यहीं पे हम अपने ESC को लगाएंगे। ESC को लगाने के लिए मैं जिप टाई का यूज कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मोटर के नीचे ही ESC को लगाया है। अब जाहिर सी बात है कि ESC के वायर्स को हम इस फ्रेम के जो आर्म है उसके अंदर से लेकर के जाएंगे, इसीलिए हमने ESC के लीड को लंबा किया है और ESC का जो हमारा मेन पावर वायर था उसे भी हमने लंबा कर लिया है। तो इजिली हम एक एंड से डालते हुए दूसरे एंड से इसे निकाल लेंगे और ये हमारा आगे जाकर के कनेक्शन करने में आसानी रहेगा और हमारा वायर जो है वो दिखेगा भी नहीं। ये डायग्राम मोटर और ESC के कनेक्शन को आपके लिए और भी आसान बना देगा। अब तक वीडियो में मैंने एक ESC मोटर को यूज करते हुए एक आर्म को रेडी करके दिखाया है, सेम ऐसे ही हमें अपने चारों आर्म को रेडी कर लेना है। अब हमें फ्रेम का बॉटम प्लेट लेना है और इस बॉटम प्लेट में हम सबसे पहले प्लास्टिक के उन टुकड़ों को लगाएंगे जिन टुकड़ों में हमारा फ्रेम का आर्म जो है लॉक होगा और उसके बाद हमें कुछ कॉलम्स लगाना है और इन कॉलम्स के ऊपर ही हमारा टॉप प्लेट माउंट होता है। सभी कॉलम्स को लगाने के बाद हम इसमें अपने चारों आर्म को रखेंगे और जो हमने लॉक का पीस लगाया है उसमें हम चारों आर्म को लॉक कर लेंगे। देन हम ड्रोन को रोटेट करके नीचे की तरफ में एक और छोटा सा पार्ट लगाएंगे जो कि हमारे फ्रेम के साथ में ही आता है। इसे टाइट करने के बाद में हमें कुछ XT60 और XT30 कनेक्टर्स लेना है एंड देन हमें करना है कनेक्शन। सिंपली हमने ESC और कनेक्टर के सभी रेड वायर्स को एक साथ और ब्लैक वायर को एक साथ कनेक्ट किया है। अब हम अपने फ्रेम में लैंडिंग गियर को लगाएंगे। लैंडिंग गियर को हम नीचे की तरफ लगाएंगे इसलिए हम ड्रोन को पलट लेते हैं। देन हमें दोनों लैंडिंग गियर को फ्रेम के साथ अटैच करना है और अटैच करने के बाद वापस से हम पलट करके ऊपर की तरफ से इसे स्क्रू की मदद से फिक्स कर लेंगे। अब हमें फ्रेम के टॉप प्लेट को माउंट करना है और यहाँ पे हम XT कनेक्टर्स को ऊपर की तरफ से और पीछे के साइड से निकाल लेंगे एंड देन इसे इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ मैंने फ्रेम के साथ एक कस्टमाइजेशन किया है, मैंने कार्बन रॉड को जोड़ करके इसे लंबा कर लिया और बीच में एक कार्बन प्लेट मैंने माउंट किया है जिसमें पैराबोलिक ड्रॉपिंग सिस्टम आगे चल करके हम लगाएंगे। चूंकि हमें इस फ्रेम में अभी बहुत कुछ माउंट करना है लेकिन फ्रेम में स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैंने अलग से S500 फ्रेम का कुछ पार्ट्स को यूज किया है ताकि हम इस फ्रेम में और बेहतर स्पेस बना पाए। जैसे ये प्लेट, इसमें हमारा कैमरा किम्बल माउंट होगा और ड्रोन को पलटने के बाद हम इसमें एक और यूनिट को लगाएंगे जिसमें हमारा रिसीवर माउंट होगा। वैसे तो स्पेस बनाने के लिए मैं अलग से भी जुगाड़ लगा सकता था लेकिन वो जुगाड़ आपको मिल पाता या नहीं इसका मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्टली एक फ्रेम का पार्ट यूज किया है ताकि आप उसे परचेज करके डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हो। इस डुअल साइडेड टेप में हम फ्लाइट कंट्रोलर को माउंट करेंगे और ये है सी का N7 फ्लाइट कंट्रोलर। इसके साथ पावर मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग केबल, कनेक्शन केबल के साथ साथ डुअल साइडेड टेप आता है। इस ड्रोन में हम सी का ही MK15 रिमोट कंट्रोलर को यूज कर रहे हैं। हमारे ट्रांसमीटर का रिसीवर है और रिसीवर में ही पावर मॉड्यूल लगा हुआ है। इन दोनों को हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। इस ड्रोन का सबसे महंगा पार्ट्स है इस बॉक्स के अंदर, सिर्फ इसका कीमत 3.5 लाख तक है क्योंकि ये है सी का ZT6 मिनी थर्मल प्लस 4K कैमरा गिम्बल। गिम्बल को माउंट करने के लिए फ्रेम में जो कार्बन फाइबर प्लेट माउंट किया था उसे हमें गिम्बल के ऊपर माउंट करना है जिप टाई की मदद से और इसे हम इजीली अपने ड्रोन में लगा सकते हैं। इस गिम्बल कैमरे से हम दिन और रात दोनों में ही वीडियो फुटेज को देख और रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ड्रोन एक ऑटोनोमस ड्रोन होगा इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ सी का M9N GPS मॉड्यूल। इस GPS मॉड्यूल को लगाने के लिए साथ में ही GPS स्टैंड आता है जिसे हम फ्रेम में कुछ इस तरीके से माउंट
बंक करेंगे और इसके ऊपर डुअल साइडेड टेप को पेस्ट करके जीपीएस को पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद मैंने कैमरे से हट करके सभी का कनेक्शन कर लिया है और सभी वायर्स को अच्छे से सेपरेट भी कर लिया है। आप कनेक्शन करने के लिए सभी प्रोडक्ट के यूजर मैनुअल्स को पढ़ सकते हो। ये है हमारे रिसीवर का एंटीना और इस एंटीना को हमें माउंट करना है। तो सबसे पहले हम रिसीवर में इस एंटीना को माउंट कर लेंगे, देन हम इसे अपने ड्रोन फ्रेम के पीछे वाले दो आर्म में माउंट करेंगे जिप टाई की मदद से, और जिप टाई मारने के बाद हम इसमें टेप का यूज करेंगे ताकि हमारा जो एंटीना है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। दोस्तों, एक वीडियो को देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उस वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपसे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। बैटरी को माउंट करने के लिए ये है 30 सेंटीमीटर का बैटरी स्ट्रैप, और इस स्ट्रैप को हम यहाँ पे रख लेंगे और इसके ऊपर हम माउंट करेंगे बैटरी माउंट प्लेट और इसी के ऊपर हमारा बैटरी लगेगा। हमारा ड्रोन लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब हमें मोटर में लगाना है प्रोपेलर्स को। इन प्रोपेलर्स को सेल्फ लॉकिंग बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सेल्फ लॉकिंग एडेप्टर। ये एक टी टाइप कार्बन फाइबर प्रोपेलर है जिसका साइज 1550 है। इस एडेप्टर से हमारा नॉर्मल प्रोपेलर जो कि स्क्रू से माउंट होता है उसे हम सेल्फ लॉकिंग प्रोपेलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसा करने से प्रोपेलर को बार बार लगाना और खोलना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का ड्रोन बनाना या फिर बनवाना चाहते हो तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही आप ड्रोन के पार्ट्स को हमारे वेबसाइट hightechxyz.in से बाय कर सकते हो। ड्रोन के जिस भी मोटर में हमने ब्लैक एडेप्टर को यूज किया है उसका प्रोपेलर और मोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा, अदरवाइज सबका काउंटर क्लॉकवाइज। इस ड्रोन को हम लंबे समय तक फ्लाई कर पाए इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ 16,000 mAh का 6S लाइपो बैटरी। बैटरी को माउंट करने के बाद हम इस ड्रोन को प्रोग्राम करेंगे, एंड प्रोग्राम करने के बाद हमारा ड्रोन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम आ चुके हैं आउटडोर अपने इस ड्रोन को टेस्ट करने के लिए। हम अपने इस ड्रोन के हर एक फंक्शन को एक एक करके टेस्ट करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इस ड्रोन को कैसे बनाना है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस ड्रोन में हमें कौन कौन सा फंक्शन मिलता है, साथ ही ड्रोन के रेडियो ट्रांसमीटर कैमरा गिम्बल को कैसे कंट्रोल करना है, कैमरा गिम्बल से दिन और रात में कैसा वीडियो फुटेज आता है, या आप ये समझ लो कि फर्स्ट टाइम ड्रोन को कैसे यूज करा जाता है, अगर आप इन सब को जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को जरूर से चेक करें। और अगर आपको ड्रोन, ड्रोन पार्ट्स या फिर ड्रोन का सर्विसेज लेना है तो आज ही कांटेक्ट करें हमारे कस्टमर सपोर्ट को 9142884517 पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।